उपलक्ष्य में किया आपने ये प्रोग्राम? ये पर्वतीय जन सम्मेलन का प्रोग्राम है जिसमें हमारी तुरतपुर की कीर्तन मंडली माधो सिंह भंडारी का पाठ कर रही है और एक डाकिया बाबू गीत है। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं ताकि जन जन में हमारे पर्वतीय समाज की सभ्यता का प्रचार हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड से देहरादून फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और 7:45 बजे मैं तैयार हो रखी हूँ अपने मायके कालागढ़ के लिए। तो इस टाइम आज है सफर मेरा कालागढ़ का, तो आप लोगों से कालागढ़ की वीडियो शेयर करूंगी, तो चलिए बने रहिए ऐसी। ये पहुंच चुके हैं हम मियाँ वाला, आप करेंगे बस का इंतजार और निकेता का इंतजार। निकेता भी आ चुकी है और हम दोनों जा रहे हैं कालागढ़। और भाई छोड़ने आया निकेता को, मेरे पति देव छोड़ने आए मुझे और हम लोग कर रहे हैं बस का इंतजार। 8:09 हो चुके हैं और निकेता ने कर दिया मुझे बोर। ये ऐसी सुस्त लड़की है ना। कैमरे की सेटिंग सही कर दो। निकी कह रहे काले क्यों दिख रहे हैं? कैमरे की सेटिंग सही कर दो निकी और मैं काले। मैं गोरी कैसे दिख रही है बताओ। मैं गोरी ले, अब तो पकड़ ले चल। आपको रामनगर की बस मिल चुकी है और मेरा निकेत का सफर हो गया है। अब जलगढ़ का शुरू ढाबे में और मैं और निक्की हो गए हैं बोर। एक तो बस चल रही है धीरे, आ गए हैं ड्राइवर साहब, चलते हैं हम भी। अब घर का सफर देखते कितने घंटे में पहुंचते हैं, 2 घंटे में तो यहीं तक पहुंचे। बहुत गर्मी हो रही है। गेट और हम लोग जाते हैं अब अपने घर। मैं क्या जाऊंगी, तू भी तो जाएगी। और मैं पहुंच गई थी ठीक 1:15 घर और अभी मैं तैयार हो रखी हूँ। पापा तुरतपुर करके फोन आ रहा, अच्छा इसका आ होगा। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी भाभी के संग। यहाँ हमारे गांव के मंदिर में प्रोग्राम है तो गढ़वाली कल्चर में दिखाया जाएगा सब कुछ। तो देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है गढ़वाली। ये तो बंक तो भाभी गेट बन हुई है, तो अभी जाते हैं हम लोग। थोड़ा मेरे साथ की मेरी सहेली भी इंतज़ार कर रही है साए चक्की में, तो उसका फ़ोन आ रखा है।
मेरी सहेली भी आ गई है और दूसरी है बेटी हमारी, वैसे तो मौसी बोलेगी मुझे, दीदी की लड़की, और ये साथ में है उसकी बेटी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर, मंदिर में है प्रोग्राम। तो ये हमारा गांव का रास्ता है, इधर से आते हैं हम लोग और हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर में, जो हमारा खेत जाते समय भी पड़ता है, जहाँ गढ़वाली प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमारे 12 कॉलोनी के कई लोग आ रहे हैं, उसमें देखो गढ़वाली साड़ी पहनी हुई है, यहाँ से साफ दिख रहे हैं। ये गढ़वाली परफॉर्म हमारा, मरगा का लोग पहचाना में नहीं आना भाई, मन पोड़ गया है, कत्ते पहचाना में नहीं आना जी। सब मेरे गांव के आज परिया लग रही है, पिंगली पिंगली है, व्लॉग बना रही हूँ। और ये सब हमारे गांव के, इन्होंने मेरी शादी में मेरा मेकअप किया था, मेरी शादी के पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में। ये मेरी शादी में 25वीं नहीं, इससे पहले वाली जो शुरू में हुई थी, वाली फर्स्ट मैरिज वाली। सही बात है, सारी मेरी फूफू जी लोग हैं और ये सब कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसी रहा करो है ना, अब ऐसी रहते हैं, सब ऐसी रहते हैं। किस उपलक्ष्य में किया आपने ये प्रोग्राम? पर्वत्य जन सम्मेलन का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी तुरतपुर की कीर्तन मंडली माधो सिंह भंडारी का पाठ कर रही है और एक डाकिया बाबू गीत है। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ताकि जन जन में हमारे पर्वतीय समाज की सभ्यता का प्रचार हो सके। धन्यवाद। जन विकास समिति और गढ़वाली बोलना भी सीखो, हार्दिक अभिनंदन। गढ़वाली बोलना गणित ही, पर जरा फ्लो में आड़ो, हार्दिक अभिनंदन। शिव मंदिर तुरतपुरा प्रांगण में हमारे समिति पर्वतीय जन विकास समिति कर बढ़ेगी एक सम्मेलन, पर्वतीय जन सम्मेलन जगह नमर गढ़वाल में कौथिक भी बोले जाने मिलन जुड़ना के एक समारोह बाद में एक यखम सम्मेलन हमारे आयोजित कर दो हम। और आज तुरतपुर शिव मंदिर में आप लोगों को एक बार हार्दिक अभिनंदन। आज एक हमारा मुख्य अतिथि भी हमारे बीच में हम उपस्थित छे, उन भी हम समिति की तरफ बड़े हार्दिक अभिनंदन कर दो। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवे धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूतार्ते। सभी का हार्दिक अभिनंदन। हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चत शंकर प्रभति भी देवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। सिंह जी हमारे वरिष्ठ जनोले बुद्धिजीवी लोग, संस्कृति प्रेमी लोग, पहाड़ प्रेमी लोग, देवभूमि प्रेमी लोग, ऊँग यू देश छागी अपनी संस्कृति
से बचाने वास्ता, ताकि ये संस्कृति बची रहे देवभूमि उत्तराखंड, जैसे कि पूर्व भारत क्या पूर्व संसार में जैसे देवभूमि नाम से जने हो जान दे, वो एक संस्कृति बची रहे। बालिकाएं इधर आ जाएं, आप लोग यहाँ खड़े हो जाएं, चारों आ जाएं, इनके लिए भी हमारे समिति के यहाँ पे आ जाएं, क्रम से आके अपना अपना पुरस्कार लेते रहेंगे और तालियां बजाते रहें, आप लोग ताली बजान लगातार ताली बजाना रहो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां हमारी गढ़वाल संस्कृति को चकपेरी से। उसके बाद जो है इनके सदस्य भी यहाँ पे आ जाए क्रम से, ये 14 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कीर्तन मंडली भिक्कावाला और जोरदार तालियां, ये इनका ये प्रस्तुति जो है जो इन्होंने यहाँ पे दी, ये बिजनौर अपने मंडल में भी गई थी, ये इनको वहां भी बुलाया गया था, इसके मंडल मुरादाबाद मंडल और बिजनौर में भी ये लोग गए थे, अपने क्षेत्र का इन्होंने नाम रोशन किया। ऐसे ही आगे लोग आप बढ़ते रहे, यही हमारी समिति आप लोगों से उम्मीद रखती। कादराबाद बीच गांव जो है इसमें लिखा है 6 प्रतिभागी थे इसमें, गांव वाले इन्होंने 4 बालिकाएं और 4 ये चकफेरी की थी, ये भी आ जाए इधर भिक्का वाले की, जो 4 बालिकाएं भिक्का वाले की थी और 4 चकफेरी की थी, आप लोग भी इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए, तालियां बजाते रहे आप लोग। बाप रे, नवापुर से ये संगीता दीदी और मंजू दीदी और वो कल्पना और ये मिलके हमें आज का प्रोग्राम सफल हो गया, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगा। सही में सभी लोग मिल गए, बहुत अच्छा लगा, सब पुराने सारे लोग। 5:30 बजे के जा रखे हम लोग और 9:30 बजने वाले हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चला वहाँ। अभी तो जैसे ही ना मिल रहा था और लोग बाकी डांस कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ थे नहीं, अब घर आ गए थे अपने, तो मेरे तो तबीयत भी आज खराब हो रही है, लेकिन गई फिर भी। वहाँ ढूंढ रही है या कौन सा के छोड़ गया, ऐसी छोड़ गई या कहीं, मैं वहाँ ढूंढ रही, तेरी मम्मी चमक रही है, मार खाने वाली, खम खमी बना रही। तो आपको कैसा लगा हमारे गांव में? अब वो पहले का मेरा गांव है पहले से, तेरा बाद में, वो ही कैसा लगा? बहुत ही मस्त और इतना मस्त, अरे फिर मैंने कीले बाद ही ले गई वहाँ जल्दी जल्दी में। चलो गर्मी हो रही, बंद कर, गर्मी हो रही है यहाँ, चलती है ठंडी ठंडी खुलती हवा।